सभी दीदियों को मेरे तरफ से नमस्कार। आज मैं फिर एक वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। अभी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था पार्ट वन पर समूह कैसे बनाए जाते हैं और लेन देन कैसे करते हैं पार्ट वन में, फिर मैंने पार्ट टू में बताया है कि खाता कैसे खोले जाते हैं, खाता खोलने के लिए कैसे प्रस्ताव हम लोग समूह की कार्रवाई पर लिखते हैं वो बताया है। फिर मैंने पार्ट टू में जो है आपको खाता खोलने के बारे में बताया है, और पार्ट थ्री में हमने बताया है कि आप आर एफ रिवॉल्विंग फंड कैसे प्रस्ताव लिखकर खाते से पैसा निकासी करके अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो के आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस पर जाकर देख सकते हो तीनों वीडियो के बारे में। और आज मैं चौथा वीडियो मेरा है टॉपिक समूह से CIF धनराशि बैंक द्वारा कैसे निकासी करें। अधिकतर ज़्यादा दीदी को यही प्रॉब्लम हो रही है कि हम लोग CIF का ऋण आ गया है खाते में, लेकिन हम लोग निकाल नहीं पा रहे हैं। बैंक वाले के पास जाते हैं तो बैंक वाला कहता है आप लोग फर्जी हैं, आप लोग गलत लिखे हैं तो नहीं दे रहे हैं। तो उन्हीं दीदियों के लिए मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ। तो चलिए ज़्यादा न बात करते हुए मैं नेक्स्ट टॉपिक पर बात करती हूँ। तो देखिए कार्यवाही है, इस पुस्तक को आपको अच्छे से लिख के जाना है। बैठक, दिनांक, स्थान और समय और उपस्थिति संख्या और अनुपस्थिति संख्या। अनुपस्थिति तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप CIF धनराशि निकासी करने के लिए जा रही हैं, तो इसमें ज़्यादातर कोशिश कीजिए पूरी जो है कि महिलाएं आपके में जितनी भी मेंबर हैं 12, 13, 14 जो भी मेंबर हैं सारे प्रेजेंट हों, उपस्थित हों। पिछली बैठक की कार्यवाही, बचत पैसा कैसा है और ऋण वापसी जो है, बाकी इस कॉलम को आप पूरे भर के रखिए। और चलिए अब आते हैं सामने की तरफ। यहाँ देखिए लिखा गया मुख्य चर्चा। मुख्य चर्चा में हम लोग को क्या लिखना है, पहले लिखना है, देखिए मैंने इसका एक कॉपी बना रखा है क्योंकि मैं ये नया बुक है, मैं इस पर लिख के नहीं दिखा सकती। ये मेरे पास देखिए एक नया बुक है लेकिन मैं इस पर लिख कर नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि ये सरकारी में ये उसमें मनाई है, मैं इस पर लिख के वीडियो नहीं बना सकती, इसलिए मैं आपको एक कॉपी पे लिख के प्रस्ताव लिख के बता रही हूँ। ये देखिए लिखा गया है मुख्य चर्चा। मुख्य चर्चा में आपको कैसे लिखना है, सेवा में यहाँ पे देखिए ये है ना कारण दिया हुआ, यहीं पे आपको कैसे लिखना है इसके बारे में बता रही हूँ। सेवा में शाखा प्रबंधक जी, शाखा मंगारी, यूनियन बैंक, ये मैंने ऐसे डाल रखा है उदाहरण के तौर पर। आपके यहाँ जो भी शाखा हो वो डालिए और जो भी बैंक है वो डालिए। आपके समूह का बैंक होना चाहिए, आपका पर्सनल नहीं, समूह का बैंक डालिए और शाखा डालिए। फिर लिख देना है विषय, समूह के बचत खाते से अकाउंट नंबर अपना लिखिए और लिखिए समूह के बचत खाते से अकाउंट नंबर से एक लाख जो हमने लिए, देखिए लिखा गया 1,10,000 रुपये जो है, ये पहले हमने अंकों में लिखा है फिर इसको हमें शब्दों में लिख देना है। 1,10,000 निकासी के संदर्भ में। फिर आते हैं आगे, ये देखिए फिर कैसे लिखना है हम लोग को। महोदय, आज दिनांक 6/5/18 समय 1 बजे सभी सदस्य, देखिए इस तरह आपको अच्छे से लिखना होगा तभी वो बैंक में आप लेके जाएंगे तो आराम से पैसा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज दिनांक 6/5/18 समय 1 बजे, ये हमने उदाहरण के तौर पे डाला है। आपके यहाँ जो भी आए होगी वो अपना डालिएगा। तो आज दिनांक 6/5/18 समय 1 बजे सभी सदस्य मिलकर क्या, आज दिनांक 6/5/18 समय 1 बजे से सभी सदस्य बैठक किया गया है। सभी सदस्य चर्चा करके, ये चीज़ ध्यान दीजिए, सभी सदस्य चर्चा करके, इसलिए सभी समूह की महिलाओं के हस्ताक्षर उन्हें जरूरी है। सभी सदस्य चर्चा करके समूह की NRLM के माध्यम से समूह सदस्य को आजीविका बढ़ाने के लिए CIF पैसा ऋण रूप में मंजूर किया गया है। इसी पैसे को अपने बैंक खाते से निकासी करके नीचे दिए गए सदस्यों को ऋण मंजूरी करने के लिए निर्णय लिया है। कृपया हमारे समूह के अध्यक्ष मीना, आपके समूह में जो भी अध्यक्ष हो उनका नाम लिख दीजिए, सचिव रीना, जो भी सचिव हो उनका नाम लिखिए,
कोषाध्यक्ष लक्ष्मी, आपके समूह में जो भी कोषाध्यक्ष हो उनका नाम लिखिए। हाँ तो देखिए, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी के नाम पे 110,000 रुपये निकासी के लिए हमारे सदस्य आपसे अनुरोध है कि आप कृपया कष्ट करें। जैसे हम लोग अब बैंक वाले से अनुरोध करते हैं कि आप निकासी करने का कष्ट करें, आप हमें परेशान ना करें, इसीलिए हम लोग लिख के देते हैं कि हम लोग को कोई परेशान ना करते हुए पैसा निकासी करने की अनुमति दे दे। कभी कभी काफ़ी बैंकों में ऐसा होता है कि जब आप पैसा निकासी करने जाएंगे तो काफ़ी आपको परेशान किया जाएगा, पैसा ले रही हैं, भरेंगी नहीं भरेंगी, जो कि ये NRLM के थ्रू आता है तब भी बैंक वाला ज़्यादा परेशान, हर जगह ऐसा है नहीं लेकिन कुछ बैंकों में ऐसे लोग करते हैं। बाकी तो बैंक जब आप सबको तो अच्छे से मालूम हो गया कि ये चल रहा है धड़ल्ले से और सही मायने में ये सही है तो पैसा आप निकासी करने में कोई दिक्कतें नहीं आ रही हैं। तो देखिए आगे, ऋण लेने का सदस्य का विवरण, ये ऋण लेने वाले सदस्य का विवरण भी लिख देना है आपको, यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पूरा लिख कर फिर यहाँ लिख देना है। ऋण लेने वाले सदस्य का विवरण, सदस्य का नाम, उद्देश्य और ऋण, तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ लिख देनी है क्योंकि कैसे मालूम होगा कि कौन सा ऋण हमें देना है। तो ऋण लेने वाले सदस्य का विवरण, सदस्य का नाम और उद्देश्य। अब ये देखिए, ये मैंने आपको बता दिया, अभी देखिए ये लिखा गया है सदस्यों के हस्ताक्षर। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है सदस्यों के हस्ताक्षर, अब ये देखिए यहाँ नाम है, सारे दीदियों ने हस्ताक्षर किए हुए अपने, तो मैं एग्जांपल के रूप में आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह देखिए यहाँ पे है सदस्यों के हस्ताक्षर, अब देखिए यहाँ पे जो है लक्ष्मी दीदी ने दुकान के लिए 20,000 रुपये लिए हैं, मंजू दीदी ने फर्नीचर के लिए 15,000, संजू दीदी के जो है भैंस के लिए चाहिए 20,000, और जो है सीमा दीदी वायरिंग मशीन के लिए 20,000, श्वेता दीदी को दुकान के लिए चाहिए 20,000, और गीता दीदी को चाहिए गाय के लिए 15,000। अब देखिए इसको हम लोग काउंट कर लेते हैं, 20, 20, 40, और ये हो गया 20, 60, 20, 80, और ये 15, 15, 30, ये जो हो गए आपके 110,000। इसमें आप और पैसे भी बढ़ा सकती हैं क्योंकि जो हम लोग पैसा बचत का भी होता है वो आप बाकी रहता है उसको भी लिख सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो आप उससे लिखिए। आप 110,000 भी लिखिए क्योंकि 110,000 निकासी करने के बाद इन दीदियों को हम लोग ये ऋण देंगे और ये ऋण लेकर दीदी समय समय पर वापस करेंगी और हम लोग ग्राम संगठन में जमा करेंगे। तो आप तो आपको समझ में आ गया कि हम लोग को प्रस्ताव कैसे लिखना है। तो अगर नहीं समझ में आया होगा, कोई आपको दिक्कत आ रही है तो मुझे कॉल कर सकती हैं और या व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकती हैं। और आप अगर वीडियो अच्छे से देखेंगे वैसे आपको आ ही जाएगा, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा दीदी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। शेयर करने से होता क्या है कि सारी महिलाओं को जानकारी हो जाएगी। अगर व्हाट्सएप आप ग्रुप है तो उसमें भेजिए कि हाँ दीदी देखिए इतना लिखा जाता है, आप भी अपने समूह में ऐसे प्रस्ताव लिख कर समूह का पैसा निकासी कर सकती, निकाल कर कर सकती हैं। और जो है दीदी, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो मेरा मनोबल ही बढ़ाने के लिए कम से कम आप लोग सब्सक्राइब तो करिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मेरा मनोबल बढ़ेगा वीडियो बनाने के लिए। तो जो भी भैया बहन देख रहे हैं उनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब कैसे करेंगी, ऐसे नहीं बस सब्सक्राइब कर लेंगे तो नहीं होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाइएगा, आल पे, फिर आल पे क्लिक कीजिएगा, फिर हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आप जितना ज़्यादा हमें सब्सक्राइब मिलेंगे, जितने ज़्यादा मेरे पास सब्सक्राइबर होंगे, मेरा मनोबल उतना ही बढ़ेगा। आप मेरे वीडियो को पूरे देखते रहिए दीदी, आपको इस सब्जी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने हर तरह की वीडियो डाल रखी हैं, आप पहले चेक तो कीजिए, आपको हर प्रकार की वीडियो मिलेंगी। अगर नहीं मिल रही है कोई वीडियो जो आप चाहती हैं तो मुझे मैसेज कर सकती हैं, मैं आपके अनुसार वीडियो बना कर जरूर डालूँगी। धन्यवाद। Thank you.